सो नाउ हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लेस डू वी गो व्हेन वी आर इंजर्ड. जब हमें चोट लगती है तो हम इनमें से कौन से जगह पे जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज स्कूल, ऑप्शन नंबर बी इज हॉस्पिटल एंड ऑप्शन नंबर सी इज बैंक. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल. जब हमें चोट लगती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू वी गो टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. हम कहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, सीखने के लिए. सो हम पढ़ना और लिखना सीखने के लिए कहाँ जाते हैं. सो आंसर इज स्कूल. तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए स्कूल. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू वी पोस्ट लेटर. हम हमारे लेटर्स कहाँ पे पोस्ट करते हैं. सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस एंड ऑप्शन सी बैंक. तो हम हमारे लेटर्स को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पोस्ट ऑफिस. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1, पीपल लिविंग नियर आर हाउसेस आर अवर ब्लैंक. तो जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हमारे नेबर्स बोलते हैं. सो आंसर विल बी नेबर्स. क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया अराउंड आर हाउस इज आर ब्लैंक. तो जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उन्हें नेबर बोलते हैं, और हमारे घर के आजू बाजू का जो एरिया होता है तो उसको बोलते हैं नेबरहुड. पीपल पूछा हो तो नेबर्स, एंड एरिया पूछा हो तो नेबरहुड. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेस वेयर वी कीप आर मनी सेफ. हम कौन सी जगह पे हमारे मनी सुरक्षित रखते हैं, कहाँ रखने जाते हैं हमारे मनी, बैंक में. ओके, सो आंसर विल बी बैंक. नंबर 4, द प्लेस फ्रॉम वेयर पोलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. तो पोलिस कहाँ पे अपने नियम और अपने ऑर्डर्स को मेंटेन रखते हैं, तो वो है, वो जगह का नाम है पोलिस स्टेशन. सो आंसर विल बी पोलिस स्टेशन. क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम्स. तो यहाँ कॉलम ए एंड कॉलम बी है, तो हमें ये मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है अ डॉक्टर. तो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, हॉस्पिटल में. सो आंसर विल बी हॉस्पिटल. नंबर 2, पोस्टमैन. तो पोस्टमैन कहाँ पे है. सो पोस्टमैन हमें हमेशा पोस्ट ऑफिस पे मिलेगा. सो आंसर विल बी पोस्ट ऑफिस. क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर. तो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, वो कहाँ पे होगा, तो वो मार्केट में होगा. सो उसका आंसर आएगा मार्केट. एंड नंबर 4, अ फायरमैन. तो फायरमैन कहाँ पे होगा, वो फायर स्टेशन पे होगा. सो आंसर विल बी रिमेनिंग फायर स्टेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उसके सही आंसर लिखने हैं. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ नेबरहुड. नेबरहुड किसे बोलते हैं. तो आंसर विल बी ऑल द प्लेसेस दैट आर नियर टू आर हाउस इज अ नेबरहुड. वो सारी जगह जो हमारे घर के करीब होते हैं उन्हें हम नेबरहुड बोलते हैं. नंबर 2, हु डू वी कॉल आर नेबर्स. हम किसे अपने नेबर्स कहेंगे, नेबर्स यानी कि पड़ोसी. तो द पीपल हु लिव नियर आर हाउस आर कॉल्ड आर नेबर्स. जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम हमारे नेबर्स कहेंगे. नंबर 3, व्हाट डू वी बाय फ्रॉम द मार्केट. हम मार्केट से क्या बाय करते हैं, क्या खरीदते हैं. सो आंसर विल बी वी बाय ऑल द थिंग्स ऑफ आर यूज फ्रॉम द मार्केट. जो भी चीज़ जो हमारे ज़रूरत में आए वो सभी चीज़ हम मार्केट से खरीदते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी गो टू ऑफर आर प्रेयर्स. हम हमारी प्रेयर्स ऑफर करने यानी कि प्रार्थना करने कहाँ पे जाते हैं. सो आंसर विल बी वी गो टू टेम्पल्स, चर्चेस, गुरुद्वारास एंड मॉस्क्यूज टू ऑफर आर प्रेयर्स. हम मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा पे हमारी
प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये यूनिट नंबर 1 फिनिश हुआ। आपको ये एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में लिखनी है और ये नोटबुक में भी लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी, और छोटी सी एक्सरसाइज है, तो आपको टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक बोथ दोनों में लिखनी है, ठीक है। सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट यूनिट नंबर 2 ऑफ दिस सब्जेक्ट EVS। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।